और दस संजय दत्त की सजा पर क्या कुछ कहना है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी का सुनते हैं। 20 साल पहले हुए 1993 के बम ब्लास्ट कांड में आरोपी संजय दत्त आखिर आज उन्हें सजा मिली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल कम कर दिया। इस पर हमारे सुरेश चौहान के चेयरमैन सर हैं, उन्होंने इस पर आंदोलन किया था स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ। आज वो खुद हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो संजय दत्त के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया था और पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन को किया। और मैं जिस शिरडी में का रहने वाला हूँ, संजय दत्त ने तब अपने आप को सिंपैथी लाने के लिए और मैं निर्दोष हूँ और बाबा के आशीर्वाद से मुझे बेल मिली है ये दिखाने के लिए घोषित किया था कि मैं शिरडी दर्शन को आऊंगा। तब हमने कहा था कि बाबा के पवित्र भूमि पर शिरडी में हम संजय दत्त को पैर रखने नहीं लेंगे, देशद्रोहियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तब मुझे महाराष्ट्र के कई नेताओं ने, कई शिक्षण क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा था कि संजय दत्त इनोसेंट है और आप इसके खिलाफ आंदोलन मत करो, लेकिन फिर भी हमने आंदोलन जारी रखा और आज 20 साल बाद ये आखिर साबित हो गया कि हम सही थे, संजय दत्त और उसको सपोर्ट करने वाले नेता गलत थे। मैं आज उन सारे कार्यकर्ताओं का 20 साल बाद विशेष आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तब मेरे साथ पूरे महाराष्ट्र में संजय दत्त के खिलाफ आंदोलन किया था और संजय दत्त को जेल में रखने के लिए सरकार को मजबूर किया। सर, इसमें आतंकवादियों को क्या मैसेज जाता है कि संजय दत्त जैसा स्टार आज सलाखों के पीछे जाएगा, उस पर हमारा कानून कितना सख्त है? बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। हालांकि अंधेर के भी उदाहरण कम नहीं है, लेकिन आखिर संजय दत्त के विषय में देर भली हुई हो लेकिन दुरुस्त हुआ है और न्याय हुआ है ये हम कहेंगे। सजा कम है लेकिन फिर भी हमारे न्यायपालिका ने जो तय किया है उसका सम्मान करते हुए संजय दत्त को सजा होनी चाहिए। और जिसका बाप एमपी हो, जो केंद्र में मंत्री हो, ऐसा होने के बावजूद भी, या वो व्यक्ति खुद स्टार हो, उसके बावजूद भी यहाँ माफी नहीं हो सकती। अगर अधिकारी सही तरीके से काम करे तो ये संजय दत्त के मैटर में सिद्ध हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि संजय दत्त को ही सजा। इस वक्त भी बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर के साथ, आतंकवादियों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन भारत सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी उनके सेलिब्रिटी होने के कारण उनको छूट देती है, उनका नाम घोषित नहीं करती। उन सब लोगों पे इसका असर पड़ेगा और संजय दत्त को हीरो मानने वाले लोग भी इसे समझ जाएंगे कि ये हीरो नहीं था, ये तो खलनायक था। सर, एक और, जो टाइगर मेनन का भाई के पाकिस्तान में छुपे होने की आशंका है, सुप्रीम कोर्ट में से फैसला सुनाया और उसकी सजा, फांसी की सजा को बरकरार रखा, तो पाकिस्तान में अगर वो छुपा है तो उस टाइगर मेनन के भाई, तो उसको कैसे निकालने की हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? इतनी हिम्मत इस सरकार में तो नहीं दिखती। बाकी न्याय व्यवस्था अगर कोई मजबूरी सरकार को करने के लिए बाध्य करे, ऐसा कोई आदेश इसके लिए विशेष पारित करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ये हमारे साथ सुरेश चौहान के, जो बता रहे थे इन्होंने 20 साल पहले एक आंदोलन किया था कि कैसे ब्लास्ट के आरोपियों को, कैसे उसमें शिरडी नासिक में संजय दत्त को रोका जाए, और अब इस पे देखना यह है कि सरकार की जो मजबूरियां बता रहे हैं, ये मजबूरियां आखिर कब तक रहती हैं और इस मजबूरियों से क्या सीख लेती है सरकार, और आगे टाइगर मेनन के भाई को पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे लाया जाता है। कैमरामैन वरुण के साथ अरुण कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय और ये साबित हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में सभी बराबर होते हैं, चाहे वो अभिनेता हो या फिर नेता। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।